मर्डर केस के आरोपी सुशील कुमार पर शिकंजा सख्त करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। इस समय मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आज इस मामले को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले किया जा सकता है। कल ही दिल्ली पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार किया था। दो दो ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक चैंपियन पहलवान कभी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली में एक रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को पुलिस ने उनके एक साथी के साथ रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद सुशील कुमार फरार हो गया था। कभी उनके उत्तराखंड तो कभी पंजाब में होने की खबरें आती रही। वारदात के बाद सुशील को उम्मीद थी कि दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन बेल रद्द होने और फिर दिल्ली पुलिस की ओर से 1,00,000 रुपए के इनाम के ऐलान के बाद से उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में रेसलर सुशील कुमार से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूल किया कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट में वो शामिल था। मारपीट के बाद वो घर जाकर सो गया, लेकिन जब सागर की मौत हो गई उसके बाद वो दिल्ली से हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से फरार हुआ, उत्तराखंड गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह लगातार दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यहां तक कि दिल्ली से फरार होकर वो उत्तराखंड में एक बड़े आश्रम में छुपा। दिल्ली पुलिस ने जब वहां पर रेड की उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली के बाद वो हरियाणा के बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ के बाद वो फिर चंडीगढ़, भटिंडा, मोहाली इन इलाकों में छुपा। लगातार पुलिस उसे पकड़ ना पाए, इसके लिए वो नंबरों किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके बाद जो जांच में पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली के मुंडका इलाके में पहुंचा था पैसे लेने के लिए, और पैसे लेने के बाद फिर वो पंजाब की तरफ फरार होने की कोशिश में जुटा था। जांच में ये भी बात सामने आई है कि दरअसल फरारी के दौरान हरियाणा नंबर की जिस कार का इस्तेमाल सुशील कुमार कर रहा था उसे वो छोड़ चुका था। उसके बाद एक स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था, उसी स्कूटी पर सवार होकर सुशील कुमार, जिस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था, अजय जिस पर 50,000 का इनाम था, वो मुंडका इलाके में जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। जांच में चौंकाने वाला ये खुलासा भी हुआ है कि दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर के साथ मारपीट हो रही थी उस दौरान सुशील ने प्रिंस नाम के एक शख्स को बोला था कि वो मारपीट का पूरा वीडियो बनाए ताकि सुशील कुमार उसे पहलवानी के अपने सर्किल में वायरल कर सके, अपनी धमक दिखा सके, और उस वीडियो को देखने के बाद कोई सुशील कुमार से टक्कर लेने की कोशिश भी ना करे। लेकिन वीडियो बनाने के बाद अचानक सागर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। प्रिंस को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसके मोबाइल फोन से वो वीडियो बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दरअसल वीडियो में सुशील कुमार मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया था। अब यहाँ पर जो साकेत का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ से सुशील पहलवान और अजय को लेकर स्पेशल सेल की टीम भारी भरकम सुरक्षा के बीच यहाँ से लेकर जारी है, जहाँ से रोहिणी की अदालत में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई कि वो 30 मिनट तक सुशील से कोर्ट में पूछताछ कर सकती है। कोर्ट रूम में ही वकीलों को भी सुशील से बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। बाद में पुलिस ने सुशील की 12 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन सुशील के वकीलों ने इसका विरोध किया। दरअसल सुशील और एक जूनियर पहलवान सागर धनगढ़ के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील उसी बकाए की वसूली को लेकर 4 मई को अपने साथियों को लेकर सागर और उसके साथियों को जबरन छत्रसाल स्टेडियम ले गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील गुट ने मारपीट करनी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल सागर की मौत होने के बाद सुशील फरार हो गया।
चार मई से पहले तक सुशील कुमार लाखों के आदर्श थे, दुनिया भर में उसका नाम था, पद्मश्री से लेकर खेल रत्न तक उसके नाम थे, लेकिन एक गलती ने जिंदगी भर की मेहनत और शोहरत पर पानी फेर दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।